नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों बहुत जल्दी होली आने वाली है, तो इस होली के सीजन पर आज जानेंगे कि कौन कौन सी आपको बेस्ट टैबलेट्स देखने को मिल जाती हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं काफी अच्छे डिस्काउंट्स के साथ, और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन भी आपको काफी क्लियर देखने को मिल जाती है। तो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कौन सी है टैबलेट्स। सो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे महंगी टैबलेट से। मैं यहाँ पर 30,000 रुपीज़ से लेके 10,000 रुपीज़ तक जो भी टैबलेट्स मार्केट में बेस्ट अवेलेबल है वो आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 30,000 रुपीज़ की रेंज में टैबलेट से। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको आईपैड का देखने को मिल जाता है जो कि एप्पल की तरफ से आता है। ऑब्वियसली यहाँ पर आईपैड 9th जनरेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 10.2 इंच की यहाँ पर आपको रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एप्पल की A13 बायोनिक चिप यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। 64 GB की इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अप टू 10 आवर्स तक की बैटरी लाइफ का सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों इसके अंदर आपको टच आईडी भी दी गई है जिसकी मदद से आप अपने टैबलेट को अनलॉक कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये 29,000 रुपीज़ में करंटली टैबलेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप कार्ड्स वगैरह का भी डिस्काउंट लगा सकते हैं जिससे आपको 1-2 हज़ार रुपये और ऑफ हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों ये पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको आप बाय कर सकते हैं। दूसरी टैबलेट की बात करूं जो कि दोस्तों आपको सैमसंग की तरफ से देखने को मिलती है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S6 Lite। दोस्तों ये भी एक काफी बढ़िया ऑप्शन है, काफी ट्रस्टेड एंड रिलायबल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको 10.4 इंच की एक TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसका प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये 2022 वाला एडिशन आने लगा है तो यहाँ पर आप स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है जो कि अच्छी बात है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको 4 GB की रैम 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को जाती है। 128 GB वाला ऑप्शन है वो भी आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करूं तो यहां पर आपको 7040 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 15W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो अप्रोक्स दोस्तों 26,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है जहां पर आपको वाईफाई ओनली वाला बैंड देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप वाईफाई 4G वाला बैंड खरीदना चाहते हैं 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ तो आपको एटलीस्ट 30,000 रुपीज़ स्पेंड करने होंगे। यहां पर भी आपको कार्ड्स वगैरह के ऑफर देखने को मिल जाएंगे जहां से आप ये टैबलेट परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगा, वहां से आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स Amazon से देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों अगली टैबलेट की बात करें जो कि आपको Xiaomi की तरफ से देखने को मिल जाती है जिसका नाम है Xiaomi Mi Pad 5। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर आपको 10.95 इंच की एक 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली एक IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं तो स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 860 प्रोसेसर का यहां पर आपको सपोर्ट दिया गया है जो कि एक फ्लेक्सिबल SoC यहां पर देखने को मिल जाता है। 6 GB की रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है जिसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। चाहे तो दोस्तों आप 256 स्टोरेज वाला बैंड भी बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको 8720 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और दोस्तों इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये अप्रोक्स 26,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। बस इस टैबलेट में डिसएडवांटेज इतना है यहाँ पर आपको खाली वाईफाई ओनली वाला बैंड देखने को मिलता है, कोई भी वाईफाई प्लस 4G वाला बैंड देखने को नहीं मिलता। तो इस चीज़ की ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों ये भी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको फ्लेक्सिबल लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए वीडियो एडिटिंग वगैरह करने के लिए या फिर हाई एंड गेमिंग वगैरह के लिए आपको कोई टैबलेट चाहिए तो आप डेफिनेटली इस टैबलेट को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगली टैबलेट की बात करें जो कि आपको रियलमी की तरफ से देखने को मिल जाती है जिसका नाम है रियलमी पैड X5G। अब दोस्तों इसके अंदर 5G वाला वेरिएंट भी आता है और नॉन 5G वाला वेरिएंट भी आता है। शुरुआत करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन से। तो यहाँ पर आपको 11 इंच की एक TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी की है। बाकी प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 695 यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करूँ तो 8340 mAh के यहाँ पर आपको बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 33W की बुक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको 19999 में आपको वाईफाई ओनली वाला ब्रांड देखने को मिलेगा जहां पर आपको कोई भी 5G का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको 5G वाला ब्रांड चाहिए तो यहां पर आपको एटलीस्ट 26,000 रुपीज़ अप्रोक्स खर्च करने होंगे जिसके अंदर आपको वाईफाई प्लस 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ में वहां पर आपको 6 GB की रैम 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप रियलमी के फैन है, आपके पास रियलमी का फोन है, आप रियलमी के फोन को एंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप रियलमी की टैबलेट बाय करेंगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये अगला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेस कर पाएंगे। बाकी दोस्तों अगली टैबलेट की बात करें जो कि आपको मोटोरोला की तरफ से देखने को मिल जाती है। काफी सारे लोग मोटोरोला की टैबलेट बाय करना चाहते हैं तो मोटोरोला की एक टैबलेट आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है मोटोटैब G70। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो दोस्तों यहां पर आपको 11 इंच की एक 2K IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों जो यहां पर प्रोसेसर दिया
गया है वो आपको MediaTek की तरफ से आने वाला Helio का G90T देखने को मिल जाता है, तो काफी अच्छा प्रोसेसर है। बाकी यहाँ पर आपको 4GB की RAM, 64GB की इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 7500mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब दोस्तों इस टैबलेट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको वाईफाई प्लस 4G LTE कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया बात है। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये अप्रोक्स आपको 20,000 rupees में देखने को मिल जाती है। इसको भी आप जहाँ से परचेज कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगली टैबलेट की तरफ बढ़े जो कि आपको Redmi की तरफ से देखने को मिलती है जिसका नाम है Redmi Pad। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 10.61 inch की एक 2K 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसकी सबसे यूनिक पॉइंट यही है कि यहाँ पर आपको 90Hz वाला एक तरह से रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों बात करूँ इसके प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पर आपको MediaTek की तरफ से आने वाला Helio का G99 प्रोसेसर देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 8000mAh की बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको 4GB की RAM, 128GB की इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है और ये टैबलेट वाईफाई ओनली के साथ आती है। यहाँ पर आपको कोई भी 4G का बैंड नहीं देखने को मिलता। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आपको 18,000 rupees में मिल जाती है, तो ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन है। जिन लोगों को बड़ी स्टोरेज चाहिए, एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए, तो वो डेफिनेटली इस टैबलेट को भी चूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप Lenovo के फैन है तो Lenovo Tab M10 FSD+ 3rd Gen को चूज कर सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 10.61 inch की एक IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 680 यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया है। बैटरी की बात करूँ तो 7700mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 4GB RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वाईफाई प्लस 4G का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है और इसकी प्राइस अप्रोक्स आपको 19,999 देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली अगर आप Lenovo के फैन है तो Lenovo की इस टैबलेट को चूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों दो टैबलेट्स और बची हैं, अगर आपका बजट 15,000 rupees के अराउंड है तो इन टैबलेट्स में से आप चूज कर सकते हैं। पहली टैबलेट यहाँ पर आपको Nokia की तरफ से देखने को मिल जाती है जिसका नाम है Nokia Tab T20। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 10.36 inch की एक 2K IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों जो यहाँ पर प्रोसेसर यूज किया गया है वो Unisoc की तरफ से आने वाला T618 यूज किया गया है। बाकी इसके अंदर आपको 4GB की RAM, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, 3GB की RAM, 32GB की इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों Nokia Tab T20 के अंदर आपको 8200mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि आपकी टैबलेट को फुल डे आराम से लास्ट कर देगी और आपको काफी अच्छी ओवरऑल यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इस टैबलेट के अंदर भी आपको वाईफाई प्लस 4G और नॉर्मल वाईफाई वाले बैलेंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आप बिना वाईफाई मतलब ओनली वाईफाई के साथ टैबलेट बाय करते हैं तो अप्रोक्स आपको 13,000 rupees की देखने को मिल जाएगी और अगर आप वाईफाई प्लस 4G वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो अप्रोक्स आपको 15,000 rupees में देखने को मिल जाएगी। तो एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपका बजट 15,000 rupees के अराउंड है तो आप इस टैबलेट को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बढ़ते हैं अगली टैबलेट की तरफ जो कि आपको सैमसंग की तरफ से देखने को मिलती है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी टैब A8। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 10.5 inch की एक Full HD+ TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी जो दोस्तों इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है वो आपको Unisoc की तरफ से आने वाला T618 देखने को मिल जाता है। 4GB की RAM, 64GB की इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है जिसको आप फर्दर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। बाकी बैटरी की बात करूँ तो 7040mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 15W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर दोस्तों आप सैमसंग के फैन हैं और सैमसंग की कोई टैबलेट लेना चाहते हैं इस बजट में तो डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी A8 आपके लिए काफी बड़ी ऑप्शन है होगा। बाकी दोस्तों ये टैबलेट भी आपको दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। वाईफाई ओनली वाला वेरिएंट की प्राइस आपको अप्रोक्स 13,000 rupees देखने को मिलती है और जो अगर आपको वाईफाई प्लस 4G वाला चाहिए तो आप अप्रोक्स आपको 15,000 से 16,000 rupees खर्च करने होंगे। तो इस टाइप से दोस्तों ये टैबलेट्स देखने को मिलती है कंप्लीट लिस्ट जिनको आप फरवरी मार्च के दौरान होली सीजन के दौरान बाय कर सकते हैं। ये दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट्स मैंने आपके लिए चूज करके लाया हूं मार्केट में जो कि इंडिया में करंटली देखने को मिलती है। सारी की सारी टैबलेट बेस्ट है, आप कोई भी टैबलेट लेंगे तो रिग्रेट नहीं करेंगे। जहां से आप इस टैबलेट को बाय कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और अगर आप ऐसी टैबलेट से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को प्लीज लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।